हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू हर स्टडीज आज मैं आपको बताऊंगा इंडियन इकोनॉमिक के 10 ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2022-23 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर आप लोगों ने 10 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आपके इंडियन इकोनॉमी वाले सेशन में काफ़ी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगी आपको अपने मार्क्स के अंदर सो मैंने नेम इज था थापर आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट स्टार्ट यदि देखो बेसिकली होता है क्या है कि बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उन लोगों को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पता चल जाए सो so, जो पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार आप लोग के एग्जाम्स में रिपीट हुआ है वो है फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था इंडिया का वो आपको बताना होता है ठीक है कम से कम पाँच से छः फीचर्स आप लोग इंडियन एग्रीकल्चर के याद करके जाओगे जो कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस थे ठीक है जैसे बैकवर्ड एग्रीकल्चर था डेवलपमेंट अच्छा नहीं था प्रोडक्टिविटी कम थी वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ बताने होंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम्स क्या थी इंडिपेंडेंस uh, के टाइम पे एग्रीकल्चर के अंदर वो आपको बतानी है तो जौन सी बुक आप लोग फॉलो कर रहे हो वहाँ से आप लोग लर्न कर सकते हो मिनिमम पाँच से छः आप लोगों को प्रॉब्लम्स लर्न करके जानी है थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के ऊपर तीनों को आपको बताना चाहिए कि लिबरलाइजेशन होता क्या है प्राइवेटाइजेशन क्या होता है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है इसका क्या इंपैक्ट पड़ा है पे इंडियन इकोनॉमी पे तो वो सब आपको बताना होता है फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से जो कि है रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल रहता है ये आपको बताना है फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपेयर द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना इंडिया पाकिस्तान और चाइना का आप लोगों को कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस बताना है कि इंडिया ने कैसे ग्रोथ करी पाकिस्तान ने कैसे करी चाइना ने कैसे करी पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करी इन लोगों ने जी को कैसे बढ़ाया हर एक बेसिस पर आप लोगों को इनको डिफ्रेंशिएट करना है इन तीनों के डेवलपमेंट एक्सपीरियंस को सिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर आपको बतानी है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है और इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं ये भी आप लोग याद कर लेना सेवन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट के दोनों सेक्टर्स के बीच में आपको डिफरेंस बताना चाहिए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर में एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से शॉर्ट नोट आता है इसके ऊपर लिखने के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज एग्रीकल्चर डायवर्सिफिकेशन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट एग्रीकल्चरल डायवर्सिफिकेशन क्या होती हैं क्यों जनरली ऐसा होता है इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं वो आपको बताना है टेंथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रेडिट एंड मार्केटिंग पॉलिसीज़ इन रूरल एरियाज़ क्रेडिट और मार्केटिंग पॉलिसीज़ कैसी होती हैं रूरल एरियाज के अंदर वो आपको एक्सप्लेन करना है किस तरीके से जो फार्मर्स है वो मार्केटाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को कहाँ से वो, वो क्रेडिट लेके आते हैं मनी लेंडर से लेके आते हैं लैंड से लेते हैं तो वो सब चीज़ें आपको बतानी होती हैं दस के दस क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लिख दिए यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीन ले लो पेन डाउन कर लो डेफिनेटली आप लोग को ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे ठीक है अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मेरे से नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना थैंक यू